नामांकन का आज आखिरी दिन और सारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में, जब दोनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी का स्वच्छ प्रशासन देने की गारंटी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इन दोनों के विरुद्ध चुनाव है। और उस चुनाव, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं, वो निश्चित रूप से उनके काम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहां तक ईडी का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं? कोई अनपैरेलल है। और उसमें भी जिन पॉलिटिकल लोगों, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए उसका प्रतिशत 3 से भी कम है। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपने भ्रष्टाचार के पकड़े जाने पर इस तरह के अनर्गल जो है प्रलाप भी करते हैं और अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। देखिये, मैंने जैसा कहा कि आपने एक प्रदेश को छोड़ दिया, दिल्ली का भी उदाहरण नहीं दिया आपने, मैं आपको दे देता हूं। इसी तरह की बातें दिल्ली में जब ईडी ने सत्येन जैन साहब को गिरफ्तार किया था, तब इसी तरह की बातें केजरीवाल साहब ने की थी। जब मनीष सिसोदिया जी को किया था तब भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह से जमानत रद्द होने के बाद में पिछले 6 महीने में आपने किया, 1 साल में केजरीवाल साहब के नाम से सत्येन्द्र जैन का नाम सुना है उनके मुंह से, थोड़े दिन बाद में मनीष सिसोदिया का भी बंद हो जाएगा। जिसको सुप्रीम कोर्ट तक राहत न मिली हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सब्सटेंस होगा। और अगर सब्सटेंस है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रीट की चीट जिन लोगों ने की, राजस्थान के 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और उस खिलवाड़ को पूरे 4 साल तक गहलोत साहब बार बार न कोई राजनेता सम्मिलित है, न कोई अधिकारी सम्मिलित है, ये कह करके जिस पर पर्दा